नमस्कार, रोशन भाव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री हरियाणा को धमकी मिली है, चंडीगढ़ में छमाछम बारिश हुई है और जोमैटो के डिलीवरी बॉयज द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। ऐसी ही कुछ खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मिली धमकी के बारे में। पुलिस इसकी जांच में भी जुट गई है। यह धमकी खालिस्तानी समर्थक की ओर से दी गई है, लेकिन इसके जवाब में मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें धमकी कोई सीधे तौर पर नहीं मिली है, लेकिन ऐसी धमकियों की वह परवाह भी नहीं करते हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि पुलिस और जांच एजेंसियां इसकी जांच में जुट गई है। खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को धमकी दी है कि 15 अगस्त को घर में ही रहना, घर से बाहर तिरंगा फहराने मत निकलना। पन्नू ने धमकी में कहा कि 15 अगस्त को सीएम झंडा ना फहराएं और अपने घर पर ही रहें, यही उनके लिए अच्छा होगा। बता दें कि आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू के नाम से रिकॉर्ड की गई रैंडम फोन कॉल के जरिए धमकी दी जा रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री के पास सीधे कॉल नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस धमकी को करारा जवाब दिया है। सीएम ने कहा है कि 15 अगस्त को लेकर धमकी भरी कॉल सीधे मेरे पास नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हमारी व्यवस्था चाक चौबंद है, एजेंसियों भी मुस्तैद कर दी गई हैं। पन्नू का विषय बहुत पुराना है और ऐसे किसी भी पन्नू को पनपने नहीं दिया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई थ्रेटनिंग कॉल सीधी कोई मेरे पास नहीं आई है, लेकिन हर प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से हमारा जो व्यवस्था है पुलिस की है, बाकी हमारी एजेंसीज हैं, वो सब चाक चौबंद हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई यदि आती है तो उसका मुकाबला हम जरूर करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये पन्नू का जो विषय बहुत पुराना चल रहा है, कोई आज का नहीं है और ऐसे किसी विषय को भी हम पनप लेने देंगे, ये हमारा संकल्प है। अब आपको बताते हैं जोमैटो डिलीवरी बॉयज और लड़कियों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। इन लोगों का कहना था कि वह कोरोना काल के दौरान लोगों के घर तक खाने का सामान पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी पालना की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार वह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आखिरकार यह जोमैटो डिलीवरी बॉयज और जोमैटो में काम करने वाली लड़कियाँ सड़कों पर उतर आई, इन्होंने प्रदर्शन किया। इनका ये कहना है कि जोमैटो इनकी बातों को मान लें, आज के समय में मजबूरी में जो काम करना पड़ रहा है उसका जायज मेहनताना उन्हें अवश्य दिया जाए। मॉल में जोमैटो राइडर्स बक्स यूनियन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी हुई थी। फेज 8 में ये लोग इकट्ठा हुए। यहां पर लड़के और लड़कियों ने कंपनी अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में सिर्फ लड़के ही डिलीवरी बॉयज के तौर पर जो काम कर रहे हैं वह प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि जोमैटो के लिए काम करने वाली लड़कियां भी सड़कों पर उतरी हुई थी। जोमैटो डिलीवरी बॉयज की यूनियन के अध्यक्ष रुपिंदर बराड़ ने मौका संभाला। उन्होंने कहा कि पिछले 9 दिनों से अपनी मांगों के लिए हड़ताल की जा रही है, लेकिन कंपनी सुन नहीं रही है। उन्होंने कहा कि अब पेट्रोल के रेट पंजाब में 103 रुपये से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन कंपनी 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान कर रही है, जबकि 1.5 साल पहले 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाता था। अब प्रति ऑर्डर पर 20 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि कोविड से पहले 45 रुपये दिए जा रहे थे। डिलीवरी करने वालों ने कहा कि उनकी मांग है कि कंपनी 10 रुपये प्रति किलोमीटर उन्हें पेट्रोल का खर्चा दे, कम से कम 8 रुपये तो देने बनते ही हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। बेसिक ऑर्डर के भुगतान में भी बढ़ोतरी की जाए। अस्थायी शिक्षकों का लगातार प्रदर्शन जारी है। मोहाली में एक बार फिर से यह अध्यापक उग्र हो गए। इन्होंने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का गेट बंद कर दिया, कर्मचारियों को अंदर नहीं जाने दिया गया और पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस के साथ भी झड़प हुई। लेकिन इसके बाद पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन मौके पर पहुंचे, इन अध्यापकों को समझाया गया और उसके बाद रास्ता खोला गया। लेकिन टीचर्स का कहना है कि उनका यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और अब वह गुप्त आधार पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार की होगी। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अस्थायी शिक्षकों ने एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया है और बोर्ड का गेट बंद कर दिया। यहां पर मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने मनाने की कोशिश की, लेकिन इन अध्यापकों का पुलिस के साथ भी झड़प हो गई, धक्का मुक्की हुई। इन अध्यापकों का कहना है कि उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है और अब इनके द्वारा गुप्त स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, जिसका खमियाजा पंजाब सरकार को भुगतना पड़ेगा और इसके लिए जिम्मेवार भी पंजाब सरकार ही होगी। मोहाली पंजाब स्कूल शिक्षा भवन के बाहर स्थाई नौकरी की मांग कर रहे
धरने पर बैठे शिक्षकों ने बुधवार को पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और शिक्षा विभाग के गेट बंद करने को लेकर पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, लेकिन इसके बावजूद भी अस्थायी अध्यापक गेट बंद करने में सफल रहे। मौली के फेज 8 स्थित पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बाहर पिछले 50 दिन से धरने पर बैठे पंजाब के अस्थायी शिक्षकों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। बुधवार को उन्होंने गेट बंद कर दिए। इस बीच पुलिस ने उन्हें रोका तो शिक्षक उग्र हो गए। रेगुलर नौकरी की मांग को लेकर शिक्षकों और मोहाली पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे धरना दे रहे शिक्षकों ने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और शिक्षा भवन का गेट बंद कर दिया। कर्मचारियों को अंदर नहीं जाने दिया गया। इस दौरान शिक्षकों की पुलिस के साथ धक्कामुक्की हुई। पुलिस ने शिक्षकों को रोकने के लिए बैरिकेटिंग की, जिसे शिक्षकों ने हटा दिया। इसके बाद हंगामा और बढ़ गया। अध्यापकों ने पुलिस के जवानों के डंडे छीन लिए। इस धक्कामुक्की में एक महिला अध्यापक नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। इसके बाद एम्बुलेंस में उन्हें ले जाया गया। अब शिक्षक अगले एक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। बाद में बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर योगराज सिंह भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का गेट खोलने की मांग की। दोपहर बाद माहौल शांत हुआ, लेकिन शिक्षकों ने गेट फिर नहीं खोला। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर योगराज सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से बात हो गई है और गेट खोलने के लिए मान भी गए हैं, क्योंकि बोर्ड के साथ छात्र छात्राओं का भविष्य भी जुड़ा है। इसलिए शिक्षक भी नहीं चाहते कि किसी छात्र का भविष्य अधर में लटके या खराब हो। नहीं देखो, गल समझदा हैगा कि बोर्ड जिहड़ा हैगा अपना अपनी ऑटोनमस बॉडी और साडी जिहड़ी इन्हां दीआं मंगां हैगीआं बोर्ड दा उस दे नाल कोई तलक नहीं है। और उन्हां नूं असीं यही बेनती कीती है कि है कि जिहड़ा साडी अपनी अलग है, इस वेले बच्चे आ रहे बाहरों, रिजल्ट निकले आ, बच्चों ने एडमिशन लैनी है और दो फाजिलका बोर्ड तो लोग इत्थे पहुँचते हैं, उन्हां दी खजल खुआरी हुंदी, किसी तरीके नाल भी साडा उन्हां मंगां दे नाल संबंध नहीं है। तो उन्होंने कुछ गल्लां रखियां कि इन्हां दे विच दी जो दूसरे दफ्तर जिहड़े हैगे उस दफ्तर विच जी जांदे आ, असी उहदे लई अपनी मैनेजमेंट नाल बैठ के गल करांगे। पर पहला भी साडा नहीं है कि असी अपना गेट बंद रखदे आ और जिहड़े साडे ना साडियां कारां आउंदियां ना किसी इत्थे कार खड़दी है किसी तरीके दे नहीं। पर फिर भी जिहड़ी गल हैगी असी गल कीती है, असी अपना बोर्ड साडा अलग है, असी अपनी उहदी सेंटिटी उहदी पवित्रता नूं बरकरार रखांगे। देखो DGSC जिहड़े मैडम हैगे उह साडे नाल साडे भी उह सैकटरी है, इस लई किसी नूं सरकारी नौकरी तो जिहड़ा आउण दा मैं मतलब उहनां नहीं रोक सकदा। DGSC तौर ते उहनां दे अलग फर्ज है, बतौरे सैकटरी मेरे कोल उह जिहड़े आउणगे। कल साडी बोर्ड की मीटिंग है, कल साडी बोर्ड अकैडमिक बोर्ड की मीटिंग हो चुकी है, उहनां दा वार वार साडे नाल आउणा पैंदा और उस गल वास्ते बतौरे बोर्ड दे सैकटरी दे तौर दे उत्ते उहनां दा वेलकम है। इह गल मैं जथेबंदियां नूं कह दित्ती है। इस गल नाल तां वेखो बहुत सारी पब्लिक आई है, पब्लिक दी डिपार्टमेंट है, दूरों दूरों लोग आउंदे है, सारा पंजाब इहदा खेत्र अमृतसर तो लैके फिरोजपुर फाजिलका बोर्ड तक के लोग आउंदे है। उन्होंने छोटे काम से बहुत बुरी तरह काम प्रभावित होंदा है और मैं इन्हां नूं यूनियन नूं भी यह गल कही है कि साडी इह गल नूं समझण, यह पब्लिक का जिहड़ा हैगा अदारा है और बच्चों के एडमिशन के दिन हैं तो सारे कस्ते साडे तो अलग कर साडे नाल नाल कहिंदे जी। उधर कर्मचारी नेता गगन अभोर ने कहा कि अब जो भी एक्शन होंगे गुप्त होंगे, इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। बुधवार को भी पंजाब कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी, इसलिए शिक्षकों की मांगों का कोई हल नहीं निकला। सब कमेटी की बैठक बेनतीजा रही, इसलिए मजबूरन उन्हें शिक्षा बोर्ड के बाहर कई दिनों से धरने पर बैठना पड़ रहा है। अस्थायी अध्यापक बोले कि धोखा तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके साथ किया है, इसलिए उन्हें धोखा देने के लिए 420 का पर्चा कैप्टन पर दर्ज होना चाहिए। अध्यापकों ने कहा कि गोली मार दो या रोजगार दे दो, बस उनकी यही मांग है। पंजाब में NRIs दूल्हे लड़कियों के साथ शादी करते हैं और उनके शारीरिक शोषण करते हैं और यहां से वापस विदेशों में चले जाते हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। इसी को लेकर पंजाब महिला आयोग एक्टिव हुआ है और आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने पुलिस विभाग से बातचीत की है, बैठक की है और कहा है कि जो भी आवश्यक हो, यदि रणनीति बदलनी पड़ी तो बदली जाएगी, नई रणनीति बनाई जाएगी ताकि ऐसे NRIs दूल्हों पर सख्त कार्रवाई हो सके। पंजाब में NRIs दूल्हों की अब खैर नहीं, इसको लेकर महिला आयोग द्वारा NRI पुलिस विभाग के द्वारा साथ बैठक की गई है और आवश्यक रणनीति बनाने पर जोर दिया गया है। पंजाब में अगर शादी कर पत्नी को छोड़कर विदेश भागने वाले NRIs दूल्हे अब बच नहीं पाएंगे। NRIs दूल्हों को लड़कियों के साथ धोखाधड़ी करने की सजा मिलेगी, इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। बुधवार को पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने ADGP NRI मामले में
AS रॉय के साथ बैठक की और NRIs दूल्हों और लड़कियों के साथ किए जा रहे धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए विचार विमर्श किया। मनीषा गुलाटी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से NRIs दूल्हों द्वारा लड़कियों के साथ किए जा रहे धोखाधड़ी के मामलों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिससे स्पष्ट है कि NRIs लड़कों द्वारा सूबे की लड़कियों का लगातार शारीरिक शोषण किया जा रहा है, जबकि शादी को व्यापार का धंधा बना लिया गया है। इसमें ऐसी बहुत सी लड़कियां भी हैं जो शादी के बाद पति के पैसे से विदेश जाती हैं, लेकिन बाद में पति से धोखाधड़ी करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसी मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या तक लड़कियां कर जाती हैं। लवप्रीत का मामला भी उनके सामने आया है। पहले भी साढ़े को जो मैं ज्वाइन किया 2018 जड़िया मेरे को उदो भी मेरी ज्वाइनिंग तो बाद बहुत सारिया कंप्लेट्स इन लड़कियों दिया जिन्हें बेचारिया जस्टिस ही नहीं मिल पा रहा और हाले भी जोड़े ये रेशो है डे बाय डे साड़ी बढ़ती जा रही है। तो अज जो लड़कियाँ रिगार्डिंग ही कि आप हूँ इन्हों इस करके इतने बुलाया गया से कि आप कर सकते हैं क्यों इन्हों का कोई सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा। कुछ जड़िया कि डिस्ट्रिक्ट पद्धर से आप कम NRI सैल कर सकते हैं। बहुत सारिया कंप्लेट्स योजना ने लोगों दया कि जिते लड़कियों का कहना है कि सानू सुनिया नहीं जाता जेडे NRI सैल के अंडर ही चाहते हैं उत्थे सुनिया नहीं जाता। तो क्योंकि चाहे NRI सैल इन मैटर्स नू देख रहे हैं पर बाहर जड़ी लड़कियों के नाल इत्थे पंजाब दिया ने साडा ते कंसरन है साढ़े तो पंजाब दिया बेटिया ने मेरा कंसरन है उन्होंने मेरे को आंदियां ने उम्मीद लैके उदो बड़ा मैं बुरा लगता है कि जो आप कर सकते हैं वो तो वह क्यों नहीं कर सकते। कमीशन बहुत कुछ जे NRI सैल सानू नाल सपोर्ट करे तो कमीशन बहुत कुछ अज उन्होंने कुछ यहोजी सुजैशन आपस एक्सचेंज कितिया उन्होंने मैं कुछ सुजैशन दिखाई कि आप कर सकते हैं। मैं भी उन्होंने कुछ आइडियाज दिते ने कि इस तरह आप इन्हों प्रॉब्लम्स में बहुत हद तक सॉर्ट आउट कर सकते हैं पर एक शुरुआत कर पहल कर जरूरत है। आने वाले समय DG साहब नाल एक 15 अगस्त तो बाद एक पूरे पंजाब के NRI सैल के हर डिस्ट्रिक्ट के जिन्हें इंचार्ज ने उन्होंने नाल एक वड्डे पद्धर की मीटिंग की जाएगी तो इंदा ते एक जांच भी की जाएगी कितने कितने लड़कियों की जिहड़ियां शिकायतां ने कि इंदे ते कमी कितने हैगी है कमी NRI सैल वालों वे या जड़े उस लैवल से उस थाने दे जड़े SHO ने इंचार्ज ने क्योंकि कुछ बच्चियां दे ऐदा दे एलिगेशन ने वो एक जांच का विषय। चंडीगढ़ में एक महिला को एक व्यक्ति ने बताया कि वह CBI का अधिकारी है ऑफिसर है और उसके साथ रेप किया। सेक्टर 22 के होटल में उसे ले जाया गया और उसके साथ रेप किया। पुलिस में इसकी शिकायत हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को चंडीगढ़ के सेक्टर 8 से गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के रहने वाली महिला से सेक्टर 22 में CBI का नकली अफसर बनकर रेप करने वाले आरोपी बलविंदर को सेक्टर 17 थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के लिए सेक्टर 17 थाना के इंस्पेक्टर रामरतन शर्मा की अगुवाई में एक टीम बनाई गई थी, जिसके बाद आरोपी की तलाश में उसके गाँव पंजाब के बलाचोर में कई बार रेड की गई लेकिन आरोपी नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को पता चला कि आरोपी चंडीगढ़ में छुप कर बैठा है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और सेक्टर 8 से इसे दबोच लिया गया। वहीं DSP चरणजीत सिंह विर्क ने कहा कि महिला से रेप करने वाला आरोपी बलविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने जिस कार का इस्तेमाल किया वह भी बरामद कर ली गई है। आरोपी पहले ही एक केस में भगोड़ा चल रहा था। ये बलविंदर सिंह नाम का अक्यूज सीगा जी इस केस दे विच ते इस नू असी जिस दिन तो ये रेप करके दौड़िया सी उस दिन तो ही साडी 17 थाने की पुलिस इसके पिछे लगी हुई सी। इहदे घर ते भी रेड मारी गई इहदे होर भी जिथे जिथे वेयरबाउट सी पता किया गया। तो कल इतलाह मिली सी कि सेक्टर 8 दे विच कित वाइन शॉप से जा रहा है तो उतों इस गिरफ्तार किया गया जी। कल ये पिछों बलाचौर का रहने वाला जी। ये पता लगे कि बंगे पुलिस स्टेशन के भी SC ST एक्ट का इसते 1-7 में एक थ्रेड करन का परचा दर्ज होया सी। ते ए उस दे अपने रेस्ट होने के डर तो मरिया ये चंडीगढ़ से अलग अलग होटलों से छुपया होया सी। आए पता लगे जी ये इतों ठेकियां तो दारू लैके ये कोल गड्डी सीगी ते पंजाब दे एरिया वेच के अपना खर्चा खुर्चा पूरे कर रहा सी ते अलग अलग होटलों से रह रहा सी। ये सेक्टर 8 तो गिरफ्तार करेंगे कल बिल्कुल जी जड़ी ये कोल i20 गड्डी सी वो भी गिरफ्तार अपना रिकवर कर ली गई। मालूम हो कि आरोपी बलविंदर ने खुद
को CBI का अफसर बताकर महिला से सेक्टर 22 के होटल में रेप किया था। महिला को नौकरी देने का झांसा दिया गया था। आरोपी उसे नौकरी दिलवाने का झांसा देकर होटल में ले गया था और उसके साथ बलात्कार किया था। CBSE की कक्षा 10 का रिजल्ट जैसे ही घोषित हुआ तो बच्चों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी, लेकिन सेक्टर 26 के फरहान के चेहरे पर कुछ खासी खुशी देखने को मिली। इसके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि फरहान ने पढ़ाई की है और 98.99% अंक हासिल किए हैं। उसने कहा है कि कोरोना का के दौरान उसने पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाया है और उसी की बदौलत आज वह टॉप में शामिल हुए हैं। बापूधाम के रहने वाले पेंटर के बेटे फरहान ने शहर में 10वीं क्लास में टॉप किया है। फरहान एक मजदूर का बेटा है। उसने 500 में से 498 नंबर लाकर कॉलोनी का नाम शहर में रोशन कर दिया। इससे कॉलोनी में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके घर बधाई देने वालों को तांता लगा रहा। फरहान के पिता का सपना पूरा हो चुका है। पिता मजदूरी करते हैं, बेटे से काफ़ी उम्मीदें थी और वह पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने हमेशा पढ़ाई के लिए आगे रहने के लिए उसे मोटिवेट किया है। फरहान ने बताया कि उनकी एक बहन पंजाब यूनिवर्सिटी से BDS कर रही है, एक बहन नीट की तैयारी कर रही है। फरहान ने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसलिए अब मेडिकल फील्ड को चुनेंगे। फरहान ने बताया कि उन्होंने कोरोना के वक्त में काफ़ी माहौल खराब देखा है, कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में उन्होंने ज़्यादा समय पढ़ाई में ही बिताया है। रोजाना 9 से 10 घंटे वह पढ़ते थे। जो मैम गाइडलाइंस देते थे उनको फॉलो करके रिजल्ट आपके सामने है। आपके पिताजी क्या करते? कारपेंटर हैं। आपको उम्मीद थी कि मैं ऐसा सक्सेस हो जाऊं? उम्मीद तो रखनी पड़ती है, सपने वही होते हैं जो वो नहीं होते जो हम रात को देखते हैं, जो सपने वही होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो ये आउटफिट सिर्फ जो मैम गाइडलाइंस देते थे उन्हीं का ये आउटफिट आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये भी होगा आपके दिल में जो मेरे माँ बाप ने, वो तो सबसे पहले सही है, वो तो सबसे पहले उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। आने वाले समय में क्या बनना चाहते हैं? मेरा ड्रीम डॉक्टर का है बनना। आगे आपने अपने माँ बाप की तकलीफें देखी होंगी, एक कमरे में आप गुजारा कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताए किस तरह से स्टडी मुश्किल थी आपके लिए एक कमरे में रहने के बाद? देखिए लॉकडाउन की वजह से ये तो था, लेकिन इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि अंदर ही रहते थे और मतलब पढ़ाई को ज़्यादा डिवोशन मिलती थी, तो इतना कुछ वो तो नहीं पड़ा फ़र्क। तो आपने देखा हुआ है अपने पिताजी की मेहनत को? हाँ जी। तो लॉकडाउन में उनकी भी मेहनत पे फर्क पड़ा होगा, उन तकलीफ़ों को आपने भी झेला होगा, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए किस तरह से वो तकलीफें थी उसके बावजूद आपने पढ़ाई? पापा अपने तक ही रखते थे तकलीफें, हमें बस अपना एक काम करना है कि मेहनत करनी है, क्योंकि हम उसको उसका कुछ वो कर नहीं सकते, हम मेहनत करके अपना वो निकाल सकते हैं। तो एक कमरे में किस तरह से आप पढ़ते थे? क्योंकि एक कमरे में सोना, एक कमरे में पढ़ना और उसके बाद चंडीगढ़ में टॉप करना, सोचा था आपने? देखो अगर बिग ड्रीम रखेंगे तो ज़रूर पूरी होंगी, उसके लिए उतनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसका कोई मतलब अगर जो मेहनत करता है उसका फिर आगे फल भी मिलता ही है। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? मम्मा पापा को, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके मुझे यहाँ पर स्टैंड बाय कराया है। मुझे यकीन था पूरा पूरा अपने खुदा पर। किस तरह से आपका बेटा मेहनत करता था? सुबह जल्दी उठ के रात को किस तरह से? सुबह जल्दी उठना, नमाज पढ़नी, खाना खाना, फिर अपना पढ़ना। रात को भी यही? रात को 12 बजे तक। अपने बेटे की आंखों में क्या सपना देखते हैं? बस यही सपना है कि अल्लाह ताला इन्हें मजदूरी से बचा दे और कामयाब कर दे। काफी तकलीफें आपने झेली होंगी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी तकलीफ नहीं झेली, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह बहुत कुछ दे रहा है, किसी चीज की कमी नहीं है। नहीं फिर भी बस मेहनत करिए बच्चों के साथ में, और कोई तकलीफ नहीं झेली, अल्लाह ताला बच्चों के नसीब से बहुत दे रहा, पैसा हर चीज दे रखी उसने। आज वो चेहरे पे आपकी खुशी दिख रही है। जी इंशाल्लाह बहुत खुश हूँ। कारपेंटर का काम काफी मुसीबतों से भरा हुआ, काफी मेहनत करनी पड़ती। जी जी। कभी आपने सोचा था कब बेटा हमारा चंडीगढ़ में टॉप करेगा? इतना बड़ा नाम सर, जिस तरह से उम्मीद थी हमें, मेहनत कर रहा है बच्चों के साथ में, तो उम्मीद तो थी इंशाल्लाह के बच्चे हमारे
और सबसे बड़ी बात यह है जो हक़ल हलाल की मेहनत से कमाई से खिलाता है ना बच्चों को, तो रंग ही कुछ और दिखाती है। आज वो आपकी आंखों पे दिख रहा है हक़ल हलाल की कमाई। जी हाँ, ये हमेशा रंग लाती है। बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। हाँ, इसकी च्वाइस भी थी, इसने लॉकडाउन में देखा पब्लिक को मरते हुए, मजदूरों को, जनता को, कि कैसे उसकी कमी हो रही डॉक्टरों की, तो उसकी च्वाइस थी कि पापा मेरी तमन्ना है डॉक्टर बनूँ और मैं हेल्प करूं। देखो किस तरह से मौत हो रही, इनको इलाज भी नहीं मिल पा रहा, तो इसकी तमन्ना तो हमारी भी यही है कि अल्लाह आज नाज है बेटे। जी जी बिल्कुल, कि मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, और ये हमारी कॉलोनी के लिए नहीं पूरे शहर के लिए प्राउडेबल बात है कि एक मजदूर का बेटा जब मेहनत करने पर आता है तो वो टॉप आता है। और मैं इस पूरी फैमिली को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और शुभकामनाएं देने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ इनके पास आया। हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, हमें अपनी कॉलोनी पे गर्व महसूस हो रहा है कि यहाँ इस इनके जैसे बच्चे एक मैसेज देके जाते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए कि अगर मेहनत की जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए ये कहता हूँ कि जो भी लड़का बनना चाहता है, ऐसे लड़के जो एक या दो नंबर से पीछे, मतलब पूरे तो कोई लेके तकरीबन कम ही आते हैं, जितने भी मार्क्स लेकर के आए अगर ये किसी भी लाइन में जाएंगे ये टॉप चंडीगढ़ ही नहीं टॉप इंडिया रहेंगे। पंचकुला के वेवन विद्यालय के 6 छात्रों ने 99% अंक लेकर के टॉप किया है। सभी छात्रों ने अपने परिवार को इसके लिए धन्यवाद कहा है और कहा है कि उनकी मदद उनके अध्यापकों ने की, स्कूल टीचर्स ने की, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस उनका पढ़ाई पर रहा है। एक बार फिर से CBSE 10वीं की परीक्षा में भवन विद्यालय पंचकुला के स्टूडेंट्स ने बाजी मार ली है। भवन विद्यालय पंचकुला के 6 विद्यार्थियों ने 99.8% अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इन स्टूडेंट्स में पर्व गोयल, अर्श शर्मा, सिमरन ग्रोवर, गुतांश ग्रेवाल, गीतांश बेनीवाल, मुस्कान शामिल हैं। भवन विद्यालय के इन स्टूडेंट्स की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भवन विद्यालय के परिसर में जश्न का माहौल था। भवन विद्यालय में 10वीं में 99.8% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले पर्व गोयल का सपना इंजीनियर बनने का है। पर्व गोयल ने CBSE में 10वीं कक्षा में 499 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 10वीं की परीक्षा के लिए पहले से ही मेहनत शुरू कर दी थी और इसमें उनके परिजनों का काफ़ी सहयोग रहा है। भवन विद्यालय के ही दूसरे स्टूडेंट अर्श शर्मा ने कहा है कि उनका सपना भी इंजीनियर बनने का है। उन्होंने बताया कि 5 घंटे वह रोजाना पढ़ते थे और ओलंपियाड की तैयारी भी करते थे, इसलिए इस मेहनत के कारण ही उन्हें 99.8% अंक हासिल हुए हैं। सिमरन ग्रोवर का जवाब भी ऐसा ही रहा, उन्होंने अपने पेरेंट्स को इसका श्रेय दिया है। ऑफलाइन पढ़ाई में सिमरन ने कहा कि उन्हें दिक्कतें आईं लेकिन उन्होंने टीचर्स का सहयोग लिया। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई तो काफ़ी चेंजेस आए, परेशानी आई, लेकिन अध्यापकों ने उनकी मदद की और वह 99.8% अंक हासिल करने में कामयाब रही। भवन विद्यालय के 99.8% अंक हासिल करने वाले गुतांश ग्रेवाल का सपना डॉक्टर बनने का है। गुतांश ने बताया कि उनकी मां अनुप्रीत ग्रेवाल और पिता कर्नल मंतेज सिंह ग्रेवाल दोनों ही उनकी पढ़ाई में सहयोग करते थे। गीतांशा ने बताया कि उनका इरादा जुडिशियल सर्विस में जाने का है और इसके लिए वह लगातार प्रयास कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर के माहौल में ऐसा है कि उन्हें जुडिशियल जाने का सपना उनका पनपने लगा। भवन विद्यालय में 99.8% अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले मुस्कान का सपना कंप्यूटर इंजीनियर बनने का है। उन्होंने कहा कि भवन विद्यालय में पढ़ाई करते समय उनको जो प्रयोग करने के मौके मिले हैं उसी से उनकी रुचि इस ओर बढ़ी है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने विधायकों के साथ बैठक की है, उनकी फीडबैक ली है, उनसे जाना है कि आखिरकार धरातल स्तर पर वर्कर्स क्या चाहते हैं, SC ST जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए क्या योजनाएं बनाई जानी चाहिए, ऐसी बातों पर लेकर सिद्धू ने बात की है और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की दलित विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक खत्म होने के बाद विधायकों ने कहा कि उनकी काफ़ी मांगें पेंडिंग थी जिसको लेकर चर्चा हुई है और नवजोत सिंह सिद्धू और बाकी दलित विधायक जल्द ही इन मांगों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मुलाकात करेंगे। इन मांगों में अहम मांग 85 अमेंडमेंट की है जिसके तहत दलितों के प्रमोशन और बाकी काम रुके हुए हैं। इसके अलावा इस प्रकार भी विधायकों को पूरा सहयोग देने की बात की है। मंत्री बनाए जाने के वकालत में उन्होंने कहा कि उनका हिसाब दलित कोटे में कम मंत्री बनाए गए हैं, दलितों को भी ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। एक अहम मुद्दे पे मीटिंग थी जो अभी कैबिनेट में जो हमारे 2017 में CM साहब ने वादे किए थे उन वादों को लेके उन पर आज चर्चा हुई। वो जो SC कम्युनिटी के क्वेश्चन थे जहाँ उनके जो मांगे थी वो अपने प्रधान से बात की है और उन्होंने विश्वास भी दिलाया है
तो जो जो वादे एससी और बीसी के हैं, ये सभी वादे मैं सीएम से बात करूंगा और लागू इनको कराऊंगा। जितने वो कर सकते थे उतने किए। देखो तो आपको भी पता है, 2 साल से कोरोना महामारी चल रही है, तो ये भी सारा मुद्दा और कोरोना का जो कार्यकाल चला है इसमें सरकार का खर्चा तो होता ही है और इनकम कम होती है, तो वादे हमने किए थे तो वादे भी पूरे करने थे। आज जो भी डिपार्टमेंट एजिटेशन कर रही है उनके ऊपर भी चर्चा हुई है और आपने प्रधान से ये बात हुई है और वो वादे जो सीएम साहब से करेंगे उनकी बात, तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ इसका सट्टा जो निकलेगा। देखो, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष ने जब से नवजोत सिद्धू को प्रेसिडेंट बनाया है, वक् वक् विंगों की वक् वक् संगठनों की मीटिंग चल रही है कांग्रेस पार्टी के इंटरनल की। इसमें आज ऐसी जो विधायक हैं हमारे सभी, उन्होंने मीटिंग की, जो हमारे मुश्किलें हैं जो ग्रास रूट पे आती है उनकी डिस्कस हुई। नवजोत सिद्धू जी सीएम साहब से बात करेंगे और इम्प्लीमेंट कराएंगे। जैसे हमारे लोगों को प्लाटों की प्रॉब्लम आ रही, पंच पंच मरले की बात की थी, वो प्रॉब्लम है। जो हमारे लोगों को प्रॉब्लम आती है छगन स्कीम पेंशन की, वो हर मंथ आनी चाहिए, वो हो। तो सभी 5-6 मुद्दे ऐसे थे जो सभी जुनैनी मसली सभी विधायकों ने बात की और दलित से जुड़े मुद्दे थे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत की है, बैठक की है, लेकिन यह बैठक बेनतीजन रही है। कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी मांगों को उनके सामने रखा गया है, लेकिन कोई हल इसका नहीं निकल पाया है। इसके बाद कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वह एक बार फिर से प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। कर्मचारी संघों के नेताओं ने कैबिनेट उप समिति के साथ हुई बैठक में कहा है कि उनकी यह बैठक असफल रही है, क्योंकि पंजाब के मंत्री कर्मचारियों की मांगों को लेकर किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं। बैठक के बाद स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने कहा, कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर काफी गंभीर हैं और सोच रहे हैं कि सरकार पर अधिक बोझ ना पड़े और कर्मचारी भी परेशान ना हों। कई इशू जड़े हैं, नैरो डाउन हो रहे हैं और मेरा ख्याल है कि कुछ कैलकुलेशंस उन्होंने भी करनी है, कुछ कैलकुलेशंस असी भी करनी है कि साढ़े ते वित्तीय बोझ किन्ना होना है, फाइनैंशियल बर्डन किन्ना पैना है, किन्ना क पंजाब का खजाना सह सकता है। जेडे मुलाजम ने सरकार का अपना परिवार है, असी उन्होंने अपनी फैमिली समझते हैं और सरकार की जिम्मेवारी होंगी है कि अपनी फैमिली का ख्याल रखे। मुख्यमंत्री साहब बहुत इस गल फिक्रमंद ने कि जिनी जल्दी हो सकता है मुलाजमान वापस जॉब पर लिया जाए, काम चलना शुरू हो, इसलिए हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वेतन आयोग की त्रुटियों में सुधार कर सभी कच्चे कर्मचारियों को स्थायी किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए मजबूरन उन्हें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया, उन्होंने सानू अज जी दूजी मीटिंग बुलाया, पर अज की मीटिंग जी बिल्कुल बेसिका रही है। कल दोबारा फिर सांझे फ्रंट की मीटिंग जी 4 बजे हो रही है। ये असी जो अपने एक्शन है 9 तो लैके 15 तक असं हड़ताल के उलीके हुए हड़ताल वाल बदा, तो उसके बाद जो सैशन चलना है मॉनसून का, वो सैशन के दौरान जी वी महारैली जी असं मोहाली करा, मुलाजम तैयार असं हड़ताल करा जो सरकार नहीं सा फैसला कोई हड़ताल करा, अधिकार जो मंग पत्र पे कमी का सवाल है, साढ़े कच्चे मुलाजम पक्के का, साड़ी पुरानी पेंशन का, साढ़े माण पत्ते काम करते हैं सेंटर से काम करते हैं, रह गए जो मुलाजम है जिन्हों की पैरिटी जी पे है जिन्हें ग्रेड पे रिवाइज ने मेन जो मुद्दे साढ़े उन्होंने गलबात जी सा करा कल। पंजाब के विकलांगों द्वारा प्रदर्शन किया गया है और इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की आवास स्थान का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इनको रास्ते में ही रोक दिया। विकलांगों द्वारा वहीं पर धरना प्रदर्शन किया गया। इनका कहना था कि वे लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है, मुख्यमंत्री उनसे मिल नहीं रहे हैं, इसको लेकर मजबूर होकर उन्हें प्रदर्शन और तेज करना पड़ रहा है। पंजाब के विकलांगों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकारी आवास की ओर कूच करने का प्रयास किया, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। उन्होंने मांग की है कि स्थानीय निकाय विभाग में सृजित 270 पदों को शीघ्र भरा जाए। विकलांग लोगों का कहना है कि उनके पास विभिन्न विभागों में 4% कोटा है, लेकिन पंजाब सरकार ने ना तो कोटा भर रही है और ना ही उन्हें किन्हीं अन्य विभागों में नौकरी दी जा रही है, जिसके कारण वह काफी परेशान है और सरकार से लगातार अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उनकी मांगे नहीं मान रही है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इंश्योरेंस कंपनियां प्रॉफिट में है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इनका निजीकरण करना चाहती है।
इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा कहना है इंश्योरेंस कर्मचारी संगठनों का। इसको लेकर इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है। सेक्टर 17 में नारेबाजी की गई और सरकार को सुनाने का प्रयास किया गया कि इंश्योरेंस कंपनियों का निजीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कर्मचारी एकजुट होकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। बुधवार को इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों ने सेक्टर 17 में प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मचारी शामिल हुए। इंश्योरेंस सेक्टर का प्राइवेटलाइजेशन किए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं, जिससे पहले भी कई बार प्रदर्शन हो चुका है। इनका कहना है कि देश को बचाओ और इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेटलाइजेशन कभी नहीं वह होने देंगे। इसको लेकर कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन सभी कर्मचारियों का कहना था कि वह प्राइवेटलाइजेशन के बिल्कुल विरुद्ध हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। इसको लेकर पूरे देश में उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते चंडीगढ़ में भी यह प्रदर्शन किया गया है। इंश्योरेंस कर्मचारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और कंपनियां प्रॉफिट में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर निजीकरण की तलवार लटक रही है। जॉब सिक्योरिटी का जो है, जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। प्राइवेटाइजेशन जो है हमारे हित में नहीं है। ये हमारे हित के जो लेडीज स्टाफ है, हमारा लेडीज स्टाफ को कहाँ कहाँ भेजा जाएगा। बेचारी यहाँ पर मुश्किल से आती हैं, पर बाहर जाएंगी जब मतलब कह रहे हैं मतलब प्राइवेट हो जाता है। प्राइवेट होने के बाद उनका पता नहीं लगेगा क्या होगा हमारा, तो इसके हमारा फ्यूचर बहुत मतलब ख़त्म हो जाएगा। हम हो सका तो हम इस पर इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जाएंगे। पहले हमारी जो डिमांड थी, हमारी ये डिमांड थी कि लाइक LIC एक हमारा एक सेक्टर बनाया जाए, GIC को एक इकट्ठा किया जाए। इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने इकट्ठा तो नहीं किया, इसके अगेंस्ट प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनके ये भारत सरकार के लिए बहुत निंदापूर्ण बात है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इनको हमारा मर्जर होना चाहिए था। हम तो ये कहते थे हमारा मर्जर होगा, इससे अनहेल्दी कंपटीशन जो हमारा वो ख़त्म हो जाएगा। तो यदि हमें जरूरत पड़ी तो इनडेफिनेट स्ट्राइक भी हम करेंगे। और इस हम भारत सरकार को कहना चाहते हैं कि यदि हम आपको बना सकते हैं तो आपको उतारना भी जानते हैं। चंडीगढ़ में कुछ घंटों की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। बारिश छमाछम बरसी, मूसलाधार बरसी, तेज बरसी, जिसकी उम्मीद भी की जा रही थी और शायद चंडीगढ़ में इसकी जरूरत भी थी। लेकिन इसी बारिश के कारण जहां मौसम सुहावना हुआ, वहीं पर कुछ जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई और कई जगहों पर लंबा लंबा जाम लग गया। बुधवार को चंडीगढ़ में कुछ इलाकों में जमकर बारिश हुई। चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। पिछले कई दिनों से शहर में गर्मी पड़ रही थी, इस बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया। हालांकि दो दिन पहले शहर में बारिश हुई थी, लेकिन वो आधे शहर में ही बरसी थी, आधा शहर सूखा ही रह गया था। लेकिन आज जमकर बरसे, जिसके कारण लोगों ने राहत की सांस ली। गर्मी और उमस से लोगों को थोड़ी राहत मिली। हालांकि इस बारिश के कारण शहर की सड़कों पर जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई। कुछ ही घंटों में बारिश ने सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया, लबालब हो गई। इसके कारण सड़कों पर लंबा जाम भी देखने को मिला। सेक्टर 17 बस स्टैंड चौक की बात करें तो यहां पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया और वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आए। यही स्थिति अन्य शहर की भी नजर आई। सेक्टर 20 का हो या ट्रिब्यून चौक हो, यहां पर बारिश भर गई और जाम की स्थिति भी बनी रही। हालांकि बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने इस सुहावने मौसम का लुत्फ भी उठाया। सारे बच्चे कोचिंग से लिख रहे, मौसम बहुत सुहाना हो गया, हमें अच्छा लग रहा है खड़े हुए को। भले ही बारिश की वजह से हमें घर जाना रुक गया, पर बहुत अच्छा मौसम है। इस गर्मी से हमें छुटकारा मिला, हम बहुत खुश हैं सारे के सारे। अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है तो मौसम अच्छा लग रहा है और गर्मी से निजात हो गया। यदि आपके शहर की खबरें और ऐसी ही खबरों को आप देखना चाहते हैं, अपनी शहर की खबरों को जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल रोशन भव और उसमें देखिए सिटी हलचल। और इसी के साथ आपकी शहर की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सिटी हलचल और मुझे यानी अमित रोशन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।